नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आगामी बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन मेले के संबंध में अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश देंगे। इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, सीपी और आईजी शामिल होंगे। साथ ही सभी एसएसपी, एसपी, नगर निगम, नगर आयुक्त भी शामिल होंगे। बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद और 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनजर सीएम आज बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था और त्योहारों को लेकर आज समीक्षा होगी, समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सीएम योगी आगामी बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन मेले के संबंध में अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश देंगे, ताकि दोनों ही त्योहार बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा सके। साथ ही कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ सावन मेले का भी आयोजन होता है सावन के माह में, और उसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश देंगे। वो चाहे गंगा से कांवड़ियों को जल भरने में किसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, या फिर मेले के दौरान किसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। और इस बैठक में मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, सीपी और आईजी शामिल होंगे। साथ ही सभी एसएसपी, एसपी, नगर निगम, नगर आयुक्त भी शामिल होंगे। 10 जुलाई को बकरीद है और 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। दोनों ही त्यौहार एक साथ शुरू हो रहे हैं, और इसी को देखते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सीएम आज बैठक करेंगे। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, बकरीद और सावन महीने को देखते हुए सीएम आज बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से ध्यान दिया जाएगा, वो चाहे बकरीद हो या फिर सावन का महीना हो, क्योंकि दोनों ही त्योहार अहम है, दो समुदाय के लोगों के लिए दोनों ही त्योहार काफी महत्वपूर्ण है, और किसी सुविधा की कमी ना हो इसका ध्यान रखने के लिए आज बैठक कर रहे सीएम जी। शिखा, आपको बता दें कि आने वाले त्योहार यानी कि जो हाल ही में आपको देखे थे, 10 तारीख को, 10 जुलाई को जो बकरीद है, और साथ ही 14 जून से, 14 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, जिसमें कांवरियां सड़कों पर जल भर के और जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। तो इससे ठीक पहले कानून व्यवस्था और साथ ही साथ त्योहारों जो कि एक साथ पड़ रहे हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए आज योगी आदित्यनाथ 7 बजे एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें यूपी के 75 जिलों के एसपी और जहां कमिश्नर लागू है वहां कमिश्नर, साथ ही साथ डीएम, और आपको बताएं कि जहां नगर निगम प्रक्रिया प्रणाली है वहां के नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं, साथ ही साथ आपको बताएं कि एडीजी जोन और आईजी और डीआईजी जो तमाम उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे, और बैठक में इन त्योहारों को लेकर उचित दिशा निर्देश देंगे। वहीं शिखा, आपको बताएं कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होता है तो दूर दराज इलाकों से, जो खासकर देखा जाए तो जो प्राचीन मंदिर है वहाँ कांवड़िया जल भर के जलाभिषेक के लिए आते हैं, तो वहाँ तमाम तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, मगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से उसे व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाने के लिए और स्थायी पुलिस चौकी एवं बात की जाए तो कांवड़ियों को रोकने के लिए और स्थायी उनके बेड़े की भी तैयारी की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए बकरीद को, तो बकरीद के त्योहार में आपको बताएं कि कई जगह कुर्बानी की जाती है, तो कुर्बानी को भी लेकर ऐसे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जैसे पिछली बार कहा गया था कि जो बकरीद में जहां भी अगर देखे कुर्बानी होगी वो खुले स्थान पे नहीं होगी, उसे देखे तो शहरी जगहों से हटाकर और ऐसे जगहों पर सीमित करके सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था, तो प्रशासन के हाथों में होगा कि सभी चीजों का मैनेजमेंट करना। वहीं अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा के साथ साथ जो सावन के मास में तमाम दूर दराज से लोग आते हैं उनके रुकने के लिए, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जहाँ नगर निगम है वहाँ उन सब जगहों पर पानी की व्यवस्था, इन सभी चीजों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री निर्देश देंगे। जी,
जी विभांशु, जिस तरह से तैयारियों की बात करी जा रही है और जब कावड़ियों का जत्था निकलता है तो सड़कों पर भी काफी भीड़ देखने को मिलती है, जाम लग जाता है, तो इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं सीएम? और साथ ही साथ जिस तरह से ट्रैफिक सुविधाएं बाधित ना हो इसके लिए भी कई इंतजाम देखने को मिल सकते हैं, तो उससे जुड़े क्या कुछ आदेश देखने को मिल सकते हैं आज? जी शिखा, अगर बात करें तो कावड़ियों के लिए अगर देखें तो कुछ ऐसे अस्थायी जगहों पर पुलिस बूथ बनाई जाएगी जहां से निगरानी रखी जाएगी कि कुछ ऐसे तत्व न घुसे जिससे अराजकता फैले। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ऐसे तमाम प्राचीन मंदिरों पर दूर दराज से कांवरिया आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो ऐसे जगहों पर आपके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ ड्रोन की भी निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में जहाँ भी ऐसे त्योहार पड़े हैं या दो त्योहार एक बार, दो धर्मुख त्योहार एक बार पड़े हैं, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सोशल मीडिया टीम को अलर्ट किया गया है, तो ये सब निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बकरीद को लेकर जो कुर्बानी होती है उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अब शाम को 7 बजे जो तमाम जिम्मेदार है, अधिकारी है, उनके साथ बैठक, और बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि किस तरह का निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। जी जी विभाषु, गंगा की सफाई और वहां पे कावड़ियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, साथ ही साथ सुरक्षा के इंतजाम, गोताखोरों को लगाना, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी निर्देश दिए जा सकते हैं क्या? जी बेशक, अगर बात करें तो जो धार्मिक स्थल है वहां की नदियों की सफाई और साथ ही साथ अगर उनके रुकने की व्यवस्था और टावर, जैसे पिछली बार आपने देखा था कि जो भारी आबादी वाले मंदिर थे जहाँ भारी आबादी आती है, उन सब जगहों पर वॉच टावर बनाकर वॉच टावर से निगरानी रखी जा रही थी, तो ये सब चीजें फिर से एक बार हो सकती हैं। अब देखने वाली बात ये हुई कि हाल ही के दिनों में आपने देखा कि प्रदेश के में कुछ ऐसे तत्व हुए, कुछ ऐसे अजारक तत्व की हिंसा की खबरें आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अपने अलर्ट मोड में है और सरकार पूरी तैयार है कि अमन चैन बना रहे और कानून स्थापित रहे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 बजे जब मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम आला अधिकारी और जिम्मेदारों के साथ आज की बैठक करते हैं तो क्या निर्देश देते हैं, मगर माना ये जा रहा है कि साफ सफाई और त्योहारों की व्यवस्था को लेकर उचित निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। करते अगली खबर की तरफ, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला आजम लखनऊ के प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे, जहां बंद कमरे में उनसे जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट और कई अन्य फर्म से जुड़े फंड को लेकर पूछताछ हो रही है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को ईडी ने 15 जुलाई तक पेश होने का नोटिस जारी किया था, मगर वो तीसरे दिन ही ईडी कार्यालय पहुंच गए। आपको बता दें कि लगातार 3 घंटे से बैठक जारी है और आजम के परिवार पर ईडी का शिकंजा भी लगातार बरकरार है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हो रही है। अब्दुल्ला आजम आज पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, जहां आज उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। पिछले 3 घंटों से लगातार कार्यवाही जारी है, सवाल जवाब का दौर जो है चल रहा है। और आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी को भी तलब किया गया है, हालांकि वो कब पहुंचेंगी ये देखना होगा, लेकिन 15 तारीख तक पहुंचने की बात कही गई है। और साथ ही साथ आजम के बेटे आज सवालों का जवाब देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला आजम लखनऊ के प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे हैं और बंद कमरे में उनसे जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट और कई अन्य फर्म से जुड़े फंड को लेकर पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को ईडी ने 15 जुलाई तक पेश होने का नोटिस जारी किया था, साथ ही साथ आजम की पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, नोटिस जारी किया गया था अब्दुल्ला आजम और उनकी मां को, लेकिन आज सिर्फ अब्दुल्ला ही जवाब सवाल के लिए पहुंचे हैं प्रवर्तन निदेशालय, क्या कुछ जानकारी है? पिछले 3 घंटों से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। जी शिखा, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर
आजम खान से आपने देखा कि बीते दिनों जब वो जेल में थे सीतापुर के अंदर में, तो उनसे पूछताछ की गई। वहीं आपको बताएं कि वहां से पूछताछ के बाद जो ईडी की टीम थी वो रामपुर गई और कई ठिकानों पर छापेमारी करके तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया था। उसी क्रम में जौहर यूनिवर्सिटी के तमाम दस्तावेज ईडी अपने कार्यालय लेके आई थी और विगत दिनों तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम यानी कि उनके पुत्र और पत्नी के खिलाफ भी ईडी ने तलब करके उन्हें ईडी के दफ्तर आने को कहा था। और आज मैं ईडी के दफ्तर में हूँ जहाँ आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम से विगत 3 घंटों से पूछताछ की जा रही है। सैकड़ों सवाल उनसे पूछे गए हैं और जवाबों से सवाल निकालकर अब्दुल्ला आजम के सामने रखा जा रहा है। और वहीं आपको बताएं कि आजम खान से पूछताछ हो गई है, आज अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की जा रही है। और कुछ ही दिनों के अंदर ईडी पे जो आजम खान की पत्नी है तंजीम फातिमा वो भी पेश होंगी और इन सभी के बयानों को ईडी रखेगा। और पिता पुत्र और आजम खान की पत्नी यानी कि तंजीम फातिमा तीनों के बयानों को रखकर तीनों बयानों को मिलाप करेगा। और साथ ही आपको बताएं कि तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर यूनिवर्सिटी में अनैतिक तरीके से पैसे का हेरा फेरी का जो आरोप लगा है, इसमें तीनों बयानों के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या निष्कर्ष निकला है। आज अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की जा रही है और 3 घंटे हो चुके हैं, अब तक सामने कुछ नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पूछताछ खत्म होती है तो क्या जो अफसर होते हैं, जो अब्दुल्ला आजम बाहर आते हैं, तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। मगर ये जो पूछताछ है ये गुप्त है, अभी अगर देखें तो कुछ ऐसे इनपुट निकल के नहीं आ पा रहे हैं। मगर अंदर की जानकारी अगर देखें तो तमाम सवाल अब्दुल्ला आजम से पूछे गए हैं, जिसमें उनके जो जौहर यूनिवर्सिटी में पैसे के मामले को लेकर कि कैसे आप इतने पैसे को लेकर यहाँ इन्वेस्ट किए आपने अपने सरकार के दौरान, साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, इन सब मसलों पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और माना ये जा रहा है कि अगले हफ्ते अब्दुल्ला आजम की माँ यानी कि तंजीम फातिमा भी ईडी के दफ्तर पेश होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभाग रिपोर्ट पेश कर रहा है, 3251 खेल के मैदान पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों को उनका आशियाना दिया जा रहा है। सौ दिन में एक और बड़ा काम उत्तर प्रदेश में, मैंने जैसा कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें बीसी सती के रूप में जो कार्य करती हैं बहनें, उन बहनों को प्रथम 6 माह तक 4,000 रुपए उनके खाते में क्रेडिट भेजा जाता है और फिर वो जमा और निकासी के आधार पर उनको कुछ एक बैंकों के द्वारा निर्धारित कमीशन मिलता है। उसमें कई बहनें तो लाख लाख रुपए तक भी महीने में कमाने में सफलता प्राप्त कर रही हैं और आगे आने वाले समय में यह कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कोई गांव में रहने वाला बुजुर्ग है उसे बैंक तक ना जाना पड़े, स्वयं बैंक बन करके बीसी सखी उनके घर तक जाती हैं और उनको जो पैसा निकालना है उनको निकाल करके देना, अगर उनको जमा करना है तो जमा करने का काम करती हैं। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, 100 दिन का जो लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया है और केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ तौर पे बताया है कि कई काम अब भी प्रगति पर है और जिस तरह से जो लोग हैं उनको पीएम आवास के तहत आशियाने भी दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? 100 दिन का संकल्प बड़ा था और संकल्प में तमाम तरह के वादे किए गए थे और तमाम तरह के कामों को करने की बात की गई थी, जिसमें लगभग अगर बात करें तो 80% काम है जो है वो पूरे हो चुके हैं और लगातार प्रदेश सरकार के माध्यम से 100 दिन की जो कार्ययोजना थी उस पर काम किया जा रहा था और उसके 30 दिन के अनुसार, 10 दिन के अनुसार, उसके अलावा मंत्री बैठक भी चल रही थी, समीक्षा चल रही थी, मुख्यमंत्री खुद जाकर समीक्षा भी कर रहे थे और समय समय पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। तो निश्चित रूप से 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। अब एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया था किस तरह हमने काम किए हैं। विपक्ष अपना आरोप लगाते रहे, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, हम
जो संकल्प लिए उस संकल्प में लगभग लगभग 80% हम काम कर चुके हैं। उन्हीं कामों को आज बताते हुए कि सत्यपाल मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उसके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो हमने सोचा था संकल्प पूरा किया है। 100 दिन में हमने 1 लाख आवास की बात की थी प्रधानमंत्री आवास की, वो हमने दिए हैं। 3251 खेल मैदानों की बात बनाने की बात की, उस पर भी काम चल रहा है। 5000 सड़कों का जो बात की थी उन सड़कों पे काम चल रहा है, उन पर भी कार्ययोजना लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया 6591 जो सरोवर तालाब बनाने हैं उसके लिए लगातार काम चल रहा है। प्रधानमंत्री अमर सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाए जाने हैं प्रधानमंत्री अमर सरोवर योजना के तहत, उस पर भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2023 के पहले ये हम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो विद्युत सखी है उनके लिए मानदेय भी बढ़ाया गया, उन्होंने कहा है कि मानदेय भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लगभग लगभग 5800 विद्युत सखियों को लगभग लगभग 9.82 करोड़ का कमीशन दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई विद्युत सखियों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है कमीशन के माध्यम से, निश्चित रूप से और अच्छी बात है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो 75 के लगभग जो नदियां थी जो विलुप्त हो चुकी थी उन पर माफिया का कब्जा था, उन कब्जा को हटाया है और जल संचय के लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। और जो संकल्प 100 दिन के में किए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जी गौरव, 100 दिन के ब्यौरे के साथ साथ सीएम योगी ने सब कुछ जानकारी दे दी थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई जानकारी दी है। सरकार ने खेल के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है और खेल के क्षेत्र की बात करी जाए तो 3251 खेल के मैदान पर काम शुरू कर दिया गया है। खेल को और आगे बढ़ाने की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए जब 2021 की बात कहूँ मैं आपको, तो प्रधानमंत्री एक नारा लेके आए थे, उस पर लगातार काम हो रहा है खेलो इंडिया। और खेलो इंडिया नारे के तहत लगातार जो जिले स्तर पर खेल है खेल के आयोजन है, प्रदेश स्तर पर खेल के आयोजन है, मंडल स्तर पर खेल के आयोजन है, वो कराए जा रहे हैं। इसी के तहत कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी सब खेल के मैदान है वो उपयोगी नहीं है और कई मैदान ऐसे जो अभी अब जर्जर हो चुके हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है। इसके तहत 3251 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। और खेल के माध्यम से तमाम तरह की योग्यता सामने आती है और जिस तरह से खेलो इंडिया नारे के तहत जिले स्तर की प्रतिभा को, गांव स्तर की प्रतिभा को, मंडल स्तर की प्रतिभा को विश्व मंच पर लाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे इस खबर पर। एक बार फिर जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। आज फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनी ने घरेलू गैस की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं 10 रुपए नहीं 20 रुपए नहीं बल्कि पूरे 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए हो गई है। पिछले एक साल की बात करें तो दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर करीब 219 रुपए महंगा हुआ है। अभी 1 जुलाई को ही एलपीजी के दामों में बदलाव हुआ था और कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। फिलहाल लोगों को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, लोगों को महंगाई से कहीं भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल बता सकते हैं कि जो लगातार हमें संवाददाता की आवाज नहीं मिल पा रही है। और एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और अगर एक साल की बात करी जाए तो एक साल में सिर्फ दिल्ली में 219 रुपए महंगा हुआ है सिलेंडर और अब 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। 1053 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है दिल्ली में।
जहां पहले सब्सिडी मिलती थी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था और उसके बाद उस पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब अगर सब्सिडी की बात करी जाए तो उसके हाल भी बेहाल है। तो वहीं सिलेंडर की कीमत भी आसमान छूती हुई नजर आ रही है। एक गरीब तबके के इंसान के लिए गैस सिलेंडर खरीदना अब सोना खरीदने जितना महंगा होता नजर आ रहा है, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर और एक महीने में अगर एक सिलेंडर भी लगता है तो वो काफी दिक्कतें पैदा कर सकता है आम इंसान के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जहां एक वक्त था जब 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर आ जाता था, लेकिन अब सिलेंडर 1000 रुपए को भी पार कर गया है। किस तरह से जनता अपने घर में चूल्हा जलाएगी, क्योंकि 1000 रुपए महीने का सिलेंडर पर खाना बनाने के लिए, राशन भी महंगा हो रहा है, हर तरफ महंगाई है, सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। गरीब तबके के ऊपर ज्यादा भारी पड़ी है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो कहीं ना कहीं 1050 रुपए का जो सिलेंडर की लिए, और बात की जाए जिस तरह से लगातार पहले भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन वो महंगाई 1 पैसे 2 पैसे या कह सकते हैं 1 रुपया तक इस तरह से बढ़ी है, लेकिन अचानक से ये 50 रुपए की भारी भरकम जो एक रकम गरीब लोगों चिढ़ाने जैसा बात कह सकते हैं कि उनको चिढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो गरीब के रसोई में अगर गैस नहीं जलेगी तो वो व्यक्ति खाना किस तरह से बनाएगा। जिस तरह से कह सकते हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो रेस्टोरेंट पे भी कहीं ना कहीं अब जो रेस्टोरेंट पे भी भारी मार पड़ सकती है। जो लोग रेस्टोरेंट के शौकीन है, जो खाना खाने के शौकीन है, तो कहीं ना कहीं अब उनको भारी पैसा देकर कहीं ना कहीं अब खाना खाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस